हर साल होली के दिन लाखों मरीजों का लगता है यहाँ मजमा। देश भर से हजारों की तादाद में पहुंचते हैं मरीज। जी हाँ, यह मेला लगता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित मस्तूरी में, जहाँ रिश्ता गांव में देश भर से मिर्गी के मरीज हजारों की संख्या में आते हैं। नजारा देख के कहा जा सकता है कि लोगों की आस्था और विश्वास आज भी आयुर्वेद और प्राचीन इलाज पद्धति से जुड़ा हुआ है। हम लोग दीपका से आए हुए हैं सर जी, और मेरा ये बालक है राकेश यादव, वो पिछले कुछ समय से ग्रसित था सर मिर्गी का, लगभग लगभग 10 से 12 साल हो गए। और पिछले साल हम लोग यहाँ से दवाई लिए थे, वो बहुत कुछ राहत मिला है अपने को, लगभग लगभग 95% आसपास मान के चलिए कि ठीक है। और इस साल दूसरा डोज लिए हैं और अगले साल फिर आएंगे। और साथ मेरे साथ मैं और बाहर से भी लेके आया हूँ, बलरामपुर से, तो वहाँ से लगभग लगभग 9 जने आए हैं सर। पिछले बार एक जने लिए थे उसमें से, और सब दवाई ले रहे हैं सर जी, अच्छा है, राहत है। यहाँ दावा किया जाता है कि आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए मिर्गी के मरीजों को ठीक किया जा सकता है, और यह दवा साल में सिर्फ होली के दिन ही दी जाती है। तैयारी के साथ हम लोग पूरा, हमारे गांव के जितने हैं, हम लोग, हमारे चार भाई हैं, भतीज हैं, पूरा गांव माने हमारे पूरा परिवार, और पूरा ये क्या बोलते हैं आप लोगों को, ये हमारा मोहल्ला पूरा गांव वाले जाते हैं हमारे संग, दवाई तोड़ते हैं, मैं उसका पूजा पाठ करता हूँ उस दवा का, उसके बाद दवा लाएंगे घर में, माने होली में ला के उसको वितरण करेंगे, नरियर गुड़ अगरबत्ती से उसको ये करके। हाँ, भारत से नहीं विदेश से भी आते हैं, और सबकी व्यवस्था करता हूँ मैं पूरा। वो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज एक भी किसी से नहीं, रिश्ता गांव में एक रुपया किसी को नहीं लेने देते हैं, वो हमारे जितने भाई बुजुर्ग हमें मत पैसा के नाम से छीड़ते हैं, कोई पैसा नहीं, ना कोई श्रमदान, माने श्रमदान लत करे बद लगी हम उनके गांव भर के रखवाली, पूरा गांव भर और ये पूरा मस्तूरी जानगिर इलाका सब ये दवा 3 रोज खाना पड़ता है उन लोगों को, होली के दिन दूंगा, उसके बाद एक रोज और 3 खुराक मैं देता हूँ, और साल में एक बार दूंगा देता हूँ, उसके बाद उसको 3 साल लगातार आना पड़ेगा। इसलिए इस खास दिन में देश भर से मरीज यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले मरीजों को दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है, और तो और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री होती है। मरीजों के परिजनों का दावा है कि यहाँ दवा लेने के बाद मरीज की हालात में बेहद सुधार होता है, पर यह दवा 3 बार यानी 3 साल हर होली में लेनी जरूरी होती है। अशोक सोनवानी का